बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे बातचीत करने के लिए। दरअसल दिक्कत यही है राजनीति की कि अपने भ्रष्टाचार में जांच की ज़रूरत होती है, सामने वाले के भ्रष्टाचार में फौरन इस्तीफे की। बात दिल्ली की करते हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच जारी जंग के बीच आज एक अहम बैठक हुई। ये बैठक थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, करीब डेढ़ घंटे ये मीटिंग चली जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे पर हुए हमले पर चर्चा हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कोई आसार नजर आ रहे हैं पुनीत की टूटे ये गतिरोध, क्योंकि सरकार अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, ये कुछ आगे नजर आ रहा है या बस अभी टकराव ही टकराव देखना है हमें? देखिए श्वेता, जो ताजा हालात है वो यही है कि टकराव इन लोगों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो दिल्ली पुलिस को अपने अधीन करने की बात कर रहे थे। कल आनंद पर्वत पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जब इनके कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा और थाने में बंद किया, तब वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको छुड़ाने गए, जहां पर आरोप लगाया गया, दिलीप पांडे ने ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने बस चलाने की कोशिश की। ये पूरा मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई दी, आम आदमी पार्टी ने अपनी बात रखी, और जब इस पूरे मामले में कंप्लेंटबाजी होने लगी तब आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता है कुमार विश्वास, आशुतोष दिलीप पांडे और संजय सिंह, वो लोग अभी 7 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर कमिश्नर बी एस बस्सी से मिलने पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे तक इन लोगों के बीच बंद कमरे में इस मुद्दे पर अहम बातचीत हुई है। फिलहाल जो गतिरोध है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।